मस्जिद जो युआन के अंदर है उसको नाउज बिला तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, उस पर आज पाकिस्तानी कहाँ है, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? ऑर्डर दिया अदालत ने, ऑर्डर दिया कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर, अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। चाइना के अंदर मुसलमानों पर बड़ा ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को रोजा रखने पर, सकाब पहनने पर औरतों को, और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है चाइना के अंदर मुसलमानों को। गाइस हमारी मीडिया इस पर चुप है, हमारे पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा विद प्रूफ कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाते साथ पूछूंगा क्या ये चाइना लगता है आपको या फिर कोई और कंट्री है। पाकिस्तानी पब्लिक का इस पर मौकफ क्या होता है और मौकफ लेने के बाद मैं बताऊंगा कि ये चाइना, चाइना के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, क्या आप इस पर आप यकीन करते हो या नहीं करते, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? नाम सुहेल। आपका नाम? मोहम्मद नुमान। इसी के लिए बात करने का आपसे पर्पस ये है, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों पर कौन कौन से मुल्कों में जुल्म होता है? मुसलमानों में जी देखिए फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, शाम हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इसमें बहुत जुल्म हो रहा है। गोया कि अब पाकिस्तान में भी ये कंडीशन चल रही है कि यहाँ पर भी जुल्म होना शुरू हो गया है, अदरवाइज तो जाकर सामने बरीमा में बहुत मुसलमानों में जुल्म हो रहा है। ये वीडियो दिखाऊँगा आपको, बताइएगा कौन से मुल्क की वीडियो लगती है जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और औरतों के स्काप पे पाबंदी है, रोज़ा रखने पे पाबंदी है, ये बताइएगा ज़रा ये कौन सा मुल्क है। क्या लगता है? ये तो बहुत गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है ये, अगर मैं बताऊंगा शायद आपको यकीन आए ही ना, आप मानो ही ना इस बात को, ये चाइना था। चाइना था, ये तो बहुत सरप्राइज बात है था। क्या चाइना से कर सकता है या चाइना के खिलाफ ये प्रोपोगंडा हो रहा जो यहाँ पे हो रहा है, चाइना को दिखा है, कोई और वीडियो दिखा कह रहे होंगे चाइना? शायद मे भी हो भी सकता हो कि चाइना में ये काम ज़्यादा हो, वहाँ बुत परस्ती ज़्यादा है, हो सकता है कि वहाँ पे भी ये ज़्यादा काम हो रहा हो कि मुसलमानों के खिलाफ तरीक निकाल ली उन्होंने, ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, मगर ये है कि वैसे चाइना हमारा तो दोस्त मुल्क है, मे भी कि तो फेक भी की हो, मगर ये आप श्योर नहीं कर सकते कि ये शायद चाइना भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको क्या लगता है चाइना कर सकता है ये? नहीं वो नहीं कर सकता। चाइना नहीं कर सकता? नहीं वो नहीं कर सकता। यार चाइना के खिलाफ ये आपको लगता है साजिश हो रही है? नहीं, चाइना के खिलाफ साजिश हो रही है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? हो सकता है, जैसे देखे ना चाइना की एक वक्त में इकॉनमी रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, वो अमेरिका को भी पीछे कर रहा था, उसके डेफ क्या हमें मिला कि कोविड आया, कोविड में आया तो इकॉनमी मेशे कराने की कोशिश की, मगर चाइना आज भी अमेरिका से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर हमारा मसाय मुल्क है, हर मुश्किल वक्त में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है, ये तो बात नो डाउट है कि नहीं साथ दिया, पहले पाकिस्तान देता रहा था पर वो देते हमारा साथ, मगर ये है कि हो सकता है कि ये साजिश हो, यूजी लोबी हो, वो कोई मसला हो कैसे को गिराने के लिए कि मुसलमानों के चाइना को गिराने का सिलसिला हो। गाइस ये देख लें, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है, जो मैंने इनको बात बताई कि ये समझ रहे कि चाइना के खिलाफ लोबी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं, क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं सर, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊँगा क्यों हो रहा है चाइना। आपको पता कि चाइना अपने लोगों को कहता है या आप एथिस्ट हो या आप चाइनीज हो, आप मुसलमान नहीं हो, आपके कोई रिलीजन ही नहीं है। वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है चाइना के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, ये अदालत ने उन्हें कहा। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली चाइना से एक न्यूज निकल कर आया है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां के मस्जिदों को गिरा रही है, जिसको लेकर चाइना में रह रहे मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट वहां हो रहे प्रोटेस्ट को भी कुचल रही है। लेकिन इस घटना को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इंडिया में हर छोटी से छोटी घटना को लेकर सारे मुस्लिम देश का रोना स्टार्ट हो जाता है, वहीं चाइना में हो रहे इस घटना को लेकर सारे मुस्लिम कंट्री चुप है। सारे मुस्लिम कंट्री को तो छोड़िए, पाकिस्तान जैसा देश जो इंडिया के हर मुद्दे पे बोलता है, हर छोटी से छोटी घटना पे बोलता है, वो देश चाइना को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहा है।
पाकिस्तान की चाहे सरकार हो या फिर पाकिस्तान का मीडिया, हर कोई चाइना पे कमेंट करने से बच रहा है। लेकिन जब ये घटना पाकिस्तान की जनता को पता चला तो उन्हें इस बात को लेकर झटका लगा और उन्होंने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्या ऑर्डर दिया अदालत ने, ऑर्डर दिया कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर। अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। बताएं जरा इस किस्म के वहां पर इन्वायरमेंट माहौल चला हुआ, हमारी मीडिया से पता चला, मीडिया खबरें देखते होंगे आप, कभी मीडिया ने बताया? नहीं नहीं सर, ऐसे कभी मीडिया में आया ही नहीं है, कभी मीडिया में शो हुआ ही नहीं है कि ये चाइना में ये काम चला, ये चल रहा है। बस ये होता है कि चाइना ने ये चीज़ सैंपल कर दी, ये चीज़ सैंपल कर दी, ये मीडिया में आता है, मगर ये कभी आया नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये बताना चाहिए मीडिया को, अगर जिसको पता है वो सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी इत्तेजाज करना चाहिए सर। बिल्कुल सही। आपके क्या मौके है इस बारे में, अगर ये चाइना है तो फिर? नहीं सर, कोई मौके नहीं, चाइना नहीं है ये? नहीं, चाइना नहीं है सर। अगर मैं कहूँ कि चाइना, फिर मान लेते हैं सर? आप मानेंगे या नहीं? मान लीजिए। चाइना है तो फिर चाइना के साथ क्या होना चाहिए अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करे? भाई जुल्म तो आपको पता है, अब तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रहा है वहाँ पे जुल्म। ठीक है, मतलब हम अपने अपने को कुछ नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करेंगे? जुल्म तो आपको पता है भाई, अब तो एंड हो चुका है, अब आप तो बस क़यामत आनी चाहिए। जो हालात हो चुके हैं भाई, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। सर, हमसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें और हमसे ज़्यादा खुश आपको क्या लगता है, कौन से मुल्क के मुसलमान हैं, इंडिया के या फिर पाकिस्तान के? पाकिस्तान बेहतर है, इंडिया के हमारे से ज़्यादा खुशहाल में। क्या वजूहत हैं कि वो तो हम यहाँ पर, तो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ा जुल्म? सर, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो प्रोज करती है हर चीज़ से। बिल्कुल सही, हर चीज़ में अप्रोच करती है। मैं शेयर कर रहा हूँ, उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनके जो जो कौमी सासे हैं ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ा था, जो उनके क्रिकेट बोर्ड है ना सर, उनके पास 1700 अरब रुपये का सिर्फ सासा पड़ा क्रिकेट बोर्ड के पास। और देख ले कि जब से इंडिया बना है, हमारे वही ट्रैक है 92-27 के जो गोरे ने बिछाए हुए हैं, रेलवे ट्रैक। इंडिया में पूरे मुल्क 8 ट्रैक बिछ चुके हैं, उनके हर बड़े कैपिटल शहर में, हर बड़े शहर में वहाँ पर मेट्रो चल रही है और ट्रेन चल रही है। ठीक है, और उनके जो आप स्टेडियम देख लें, वो दुनिया के सबसे आला तरीन स्टेडियम बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं स्पोर्ट मैन हूँ, मैं स्पोर्ट के लिहाज सारी उनकी देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी आवाम में देखें ना, उनकी अगर 1 अरब आवाम है ना, 80% आवाम उनकी इंटरटेनमेंट देखती है और 25% आवाम जो उनकी न्यूज़ देखती है। ठीक है, आप मोदी को कहते हैं मोदी गलत है, मगर देखें कि उसने 6 बैंक से सारा पैसा ले आया है, वो अपने नोट मुल्क में से बड़ा नोट बंद कर दिया, छोटे नोट, जितना नोट छोटा होता है करेंसियाँ को पता होती है आपकी डेफ होती है। मोदी का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, वो कहता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, लेकिन मेरे लिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा ये मुल्क है, मेरे लिए सब हिंदुस्तानी है, यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अब देखें कि इस किस्म की वहाँ पर बराबरी हर बंदे को, वहाँ पर रूल लॉ जो अंस है वो अपने कानून के मुताबिक काम करता है, क्या वहाँ पर आपको लगता है कि इस किस्म की बर्बरियत हो जो हमारी मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट करती है, होता होगा? मैं ये नहीं कहता नहीं होता। चंद एक शहर है जैसे गुजरात हो गया उनका, ठीक है, जैसे मुसलमानी कम्युनिटी ज़्यादा हैदराबाद में, नखलों में उनकी कम्युनिटी मुसलमानों की ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमान का होल्ड है। मगर इंडिया में जो है ना सर, मैं जो देखता हूँ ना, उनकी जो गवर्नमेंट को मैं करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर इतनी महंगाई नहीं देता हमारे यहाँ पे है। ठीक है, इंसान चाहता ही क्या सस्ती चीज़ें, गवर्नमेंट से यही चाहता है। हमारे यहाँ पे जो 800 cc गाड़ी है वो 27 लाख रुपये की है, और इंडिया में 800 cc गाड़ी जो है वो 7 लाख रुपए की है। यहाँ का डेफिनेट कर ले आप कितने। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो आल्टो आप देख रहे हो गाड़ी, वहाँ पर वो 3.5 लाख रुपए की है, 3.5 लाख की, आप 31 की होगी। यहाँ पे देखिए 255 जो है ना बाइक, 255 की बात कर रहा हूँ, वो 6 लाख की है, 6-7 लाख की है, और वहाँ भी वो कितनी है, 70-80,000 की है। यहाँ इतना फर्क है ये हमारे मुल्क में, मगर अल्लाह तक कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला ऐसा हुक्मरान लेके आए या ऐसा इंकलाब है जो जो ना बंदा करने जा रहे हैं। जो चाइना के अंदर जुल्म हो रहा है, चाइना के अंदर जो एक मस्जिद जो युआन के अंदर है उसको नाउज बिला तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, उस पर आज पाकिस्तानी कहाँ है, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे? हम दूसरी जन मीडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जुल्म हो ना हो, लेकिन पाकिस्तानी लाजमी आवाज उठाते हैं, कश्मीर मसला वो 75 सालों से सुनते आ रहे हैं, आज चाइना के अंदर क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही? चाइना के अंदर जो मुसलमान बाहर निकल रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें मजहब के नाम पर पीछे किया जा रहा है, क्या वजूहत है? आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी किधर है, पाकिस्तानी सवाल क्यों उठा रहे हैं? आज ये वीडियो पाकिस्तानी आवाम को दिखाऊंगी, उनसे उनकी राय लूंगी कि पाकिस्तानी किधर है। फिर सवाल का जवाब लेने के बाद मैं मिलूंगी आपसे वीडियो के एंड पे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
जी वालेकुम। सर आपका नाम? इमरान अली। करते क्या है? जी मैं खिलौने का काम करता हूँ, छोटा सा बिजनेस। बिल्कुल सही सर, आज आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये वीडियो देखिएगा और इसके बाद मुझे बताइएगा कि ये नाउजबिला एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये कौन सी कंट्री के अंदर हो सकता है? ये तो अपना पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के अंदर है? जी बिल्कुल पाकिस्तान। नहीं ये पाकिस्तान नहीं है, बाहर की कोई कंट्री है, बताएं मुझे कौन सी कंट्री हो सकती है। हाँ ये कोई चाइना या कोरिया वगैरह के लोग हैं, क्योंकि नीचे एरिया से लोग हैं। चाइना के लोग हैं? चाइना के अंदर युआन में ये मस्जिद तोड़ी जा रही है, आप मुझे बताएं चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है लेकिन पाकिस्तान मीडिया ना दिखाता है ना पाकिस्तानी लोग बोलते हैं। अब अगर हम बात करें चाइना के अंदर कैसे मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ लड़का जो है वो गाड़ी नहीं रख सकता, औरत जो है वो अबाया नहीं पहन सकती, फ्रीडम नहीं है मजहब के मुताबिक, और वहाँ पर युआन के अंदर ये मस्जिद सालों साल पुरानी मस्जिद है जिसको नाउज़ुबिल्लाह डिमोलिश किया जा रहा है, वहाँ के जो पुलिस है वो मार रही है मुसलमान जो बाहर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं आज पाकिस्तानी किधर है जो प्रोटेस्ट नहीं करे, जो सवाल नहीं करे चाइना से? बेटा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपने अंदर बहुत सारे खिलाफ आते हैं, यहाँ पे कितने मसलक बन चुके हैं, कितने मजहब बन चुके हैं, ये जो लोग मसाजिद तोड़ते हैं बाद नाउज़ुबिल्लाह तोहीन की जसारत करते हैं, इन तक सही इस्लाम पहुंचाएगा कौन? हम पहुंचाएंगे, हमारे अंदर तो अपना इख्तलाफ है। पूरे दुनिया के अंदर किसी मुसलमान मुल्क के अंदर इंग्लिश चैनल नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कम से कम 200 चैनल ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और उनका जवाब देने के लिए एक भी अंग्रेजी चैनल नहीं है। अब एक यूरोप में बैठा हुआ है, एक डेनमार्क में बैठा है, एक नॉर्वे में बैठा है, उसको सही सलाम कैसे पहुंचाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि इस्लाम की बुनियाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात को लेकर मुसलमान के अंदर झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा नूरो बशर का, हाजर नाजर का, और नऊज़ बिल्लाह खुदा न खाता हमने अपने नबी की ज़ात को जितना मुसलमान डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। भी देखे मौलवी साहब बैठे मिंबर पर कह रहे कि मेरे घर नबी के घर में रोटी नहीं पकती थी, चार चार दिन चूल्हा नहीं जलता था, जबकि आपकी 9 बीवियाँ हैं। अरब जो सालाना खर्चा देते हैं अपनी बीवी को वो पाकिस्तान का 11 करोड़ रुपया बनता है, मुसलमान उसकी जात को लेकर, नबी की जात को लेकर उसको मुतनाज़ा बना दिया। सबसे पहले ये इख्तलाफ है कि जब हमारे अंदर इख्तलाफ ख़त्म होगा तो हम उनको बताएंगे, नबी की सीरत उनको बताएंगे, उनकी समझ में आएगी जाके, वो तो मजलूम लोग हैं, जसारत करने वाले मजलूम लोग हैं, उनको कोई इस्लामिक चैनल हो, कोई अंग्रेजी चैनल हो उनको बताएंगे, वो पंजाबी तो आप समझेंगे नहीं, उर्दू समझेंगे नहीं। सर ये तो है ना हमारी गलतियां, हम लोगों की गलतियां, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है कि चाइना में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, हम इंडिया की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, हम कहीं किसी भी बर्मा की बात करते हैं, हम हर किसी की बात करते हैं, जब हमारी आंखों पर दोस्ती की तसब की आने की लग जाएगी ना, तसब की आने की लग जाएगी, वहाँ पे कुछ भी होता रहे। अब एक सियासी बात बताऊँ, पाकिस्तान पे 110 अरब डॉलर कर रहा है, उसमें 75 अरब डॉलर चाइना का है, अगर ये दोस्ती को हमारी से बुलंद है, समुंदर से गहरी है, फुलाद से मजबूत है, तो कर्जदारी रोल बैक कर दे, हमारे 4 अरब डॉलर के हिसाब से पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, IMF हमें जलील कर रहा है, 42 बिल पास हुए इसके बावजूद कर्जा नहीं दिया। अगर वो हमारा दोस्त है तो कह दे कि ना मैं पाकिस्तान के लिए अपने कर्जे 2 साल के लिए रोल बैक कर देता हूँ, उसको मोखर कर देता हूँ, दोस्ती कर तो कह दिए। अब देखे ना हमने जोली फैलाई हुई है, खुदा के लिए सी पैक दे दें, यहाँ पे ब्लैक ट्रेन बना दें, 58 अरब डॉलर लगा दें, 50 अरब डॉलर लगा दें, वो जब हमारे साथ वादा कर रहा है तो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म क्या हो रहा है? मुसलमान नेस्त नबूद भी हो गए तो हम नहीं बोलेंगे, हम मकरूज कौम है बेटा, खुददार कौम नहीं है, ये लोगों का हजूम है। जब हमारे अंदर देखे गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर एक शोहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा ना दे उसके घर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है भाई, हम उसके ऊपर एहतजाज करते हैं, मुसलमान के ऊपर एहतजाज करते हैं, वो कहेगा ही ठीक है, हाँ जी उसे आना कहेगा ही ठीक है, आप अपने सलाम को लेके बैठे रहो, मेरा कर्जा वापस दे दो, वो कहाँ से लाएंगे 75 अरब डॉलर? सर फिर वो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आज तक हम आज़ाद ही नहीं हुए। नहीं बेटा गुलाम देखें, ये जहनों की गुलामी है, हम वाकई ही आज़ाद नहीं हुए। सबसे पहले हमारा ज़र्फ बड़ा नहीं हुआ, हमारा जो ज़र्फ है ना, जो कुशादगी है वो हमारे अंदर नहीं आए, हम अपनी आँख से देखते हैं, अपनी ऐनक से देखते हैं, यहाँ पे ये है कि अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएं, हम इतने तंग दस्त लोग हैं कि हम इन गाड़ियों को आग लगा देंगे, इन गाड़ियों का हमारा क्या कसूर है? ये कम ज़र्फ़ी के अंदर अलामत है कि हम अपने आप से आगे किसी को निकलता नहीं देखेंगे।
यहाँ पे कई मतलब मैंने देखा है गाड़ी वाला ना उसमें किसी बच्चे को हिट कर दिया ना, वो लोग आनंद फानन आएंगे उस गाड़ी को चला देंगे। जब गाड़ी को नहीं चला गुस्सा पहले से अंदर मौजूद है सर, शिद्दत पसंद है हम, ये हमारे DNA के अंदर, ये 10,000 साल से कह लें, 5,000 साल से कह लें या 2,000 साल की तारीख जो है ये हिंदुस्तान की, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, मालदीव, ये 2,000 साल में कम से कम 17 मरतबा यहाँ पे तहजीब बदली है। ये देखो जी अहमद शाह अब्दाली आ रहा है जी, हमारे बच्चों को झूठ पढ़ा रहा है, ये महमूद गजनवी आ रहा है जी, यार महमूद गजनवी कौन होता है हिंदुस्तान में इस्लाम की खिदमत करने वाला, इस्लाम की खिदमत करनी है तो वो तुर्कमानिस्तान चला जाएगा, उसके नज़दीक पड़ता है, यहाँ पे 25 दरिया अबूर कर रहा है, लंबे लंबे सहरा अबूर कर रहा है, 50,000 का दस्ता लेकर तो हिमालय से उतर रहा है, तो हिमालय में जाना तो आज भी आसान काम नहीं है, 1,000 साल पहले आप 25,000 बंदा लेकर तो हिमालय के बर्फ पोज पहाड़ों से उतरते, क्यों उतरते अभी? किसने कहा कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ो जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के फ़राइज में 4 चीज़ें शामिल है कि वो गैर मुस्लिम की इज्जत, आबरू, जान माल की हफाजत करे। वो कहता है मैं जैन मंदिर तोड़ के आया, मैंने कहा यार तूने जैन मंदिर नहीं तोड़ा, तूने नबी का हुक्म तोड़ा, ये जैन मंदिर मेरे सामने टूटा है बाबरी मस्जिद के मुकाबले में। बात यह कि महमूद गजनवी है, अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह अफगानी है, उन्होंने इस्लाम का परचम उठाया, उधर जनाब बेड़ा बर्फबारी होती थी, रिजक होता नहीं था, गुर्बत बड़ी थी, हिंदुस्तान में फसलें लहरा रही हैं, यहाँ पे दरिया चल रहे हैं, यहाँ पे लौंग है, जैवल है, जलबत्री है, मरवारीद है, अरबों डॉलर का यहाँ पे सामान 3,000 खच्चरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, वो 32 लाख टन सोना लेकर महमूद गजनवी वापस चला गया। और मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों को कहूँ कि ये इस्लाम लेके आया था, इस्लाम लेके जाना वो कजाकिस्तान जाए जो उसके नज़दीक है, और इस्लाम जबर तो नहीं है। अब ये महमूद गजनवी आ रहा है, ये यासुद्दीन बलबन आ रहा है, ये शहाबुद्दीन गौरी आ रहा है, ये मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, यहाँ पे जब जो 17 तहजीबें आई हैं और वो तलवार लेके आई हैं उनकी यहाँ पे नस्लें रही हैं, तो ये अजीब सी चीज़ बन गई है। सर आपने अपनी बातों में कहा है कि हमारा इस्लाम हमारा मजहब सिखाता है कि हम दूसरे मजहब की और दूसरे लोगों की इज्जत और हिफाजत करें, हाँ सबकी हिफाजत करें। सर आप मुझे बताएं कि हम कर रहे हैं, हम अगर बात करें हिंदुस्तान की जहाँ से हम निकले हैं, सर हम उनको गंदा करने के लिए हर एक चीज बताते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, वो भी चीजें हमारी हिस्ट्री के अंदर है, रोकने के लिए गलत अंदाज नहीं बनाया जाता सर, हमारी हिस्ट्री के अंदर जो सब कुछ बताया गया हमारी किताबों के अंदर सर वो सच है, झूठ है बेटा, यही तो महमूद गजनवी की बात कर रहा हूँ। फिर हमें क्यों बताया जाता है, हमें तो फिर खुद ब खुद गुमराह किया जा रहा है ना। सुने मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्वे उसका 400 साल पुराना परचम है, डेनमार्क 600 साल पुराना आइन है, बरतानिया का आइन 4 सफ़े का है, सिर्फ 4 सफ़े का, और तहरीरी नहीं है, बरतानिया दुनिया का वाहिद मुल्क है उसका तहरीरी आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन 1954 में बना है, पहले दस्तूर था, 1971 में आइन हुआ, तब से लेकर अब तक हमने 22 मरतबा उसमें तरमीम की है, और तरमीम भी ऐसी की है कि एक आर्टिकल है उसकी 10-10 सेक्शन है, उसके 20-20 सेक्शन है, एक सेक्शन आपको हीरो बना रहा है, दूसरा सेक्शन आपको आपको जनाब वो डिग्रेड कर रहा है। ये देखो कोई बात तो नहीं है कि आपको 22-23 करोड़ 30 करोड़ 25 करोड़ आवाम एक बंदे को अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं, दर्जा चहारम का जज उसको उठा के बाहर फेंक देता है। सर मतलब यहाँ पर अगर हम एक सवाल है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है, हम कहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो जुल्म कर मतलब जुल्म सह रहे हैं, आप मुझे बताइएगा सर क्या आपको लगता है कि करंट सिचुएशन के अंदर क्या उन पर जुल्म हो रहा है, क्या हिस्ट्री के अंदर जुल्म हो रहा था, अगर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा मुजाहिद है, वो इंटरव्यू देते देते मुझे तो गोली मार दिया, बात यह है बेटा हमारे हालात इंतहाई ख़राब हैं पाकिस्तान के, और पूरी दुनिया को पाकिस्तान ठेकेदार नहीं है कश्मीर का, कश्मीर की आबादी 1 करोड़ है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे 4 करोड़ लोग भूख से रोज भूखे सोते हैं, 1 करोड़ लोगों की हेल्प करते करते यहाँ पे 20 करोड़ लोगों की टांगे तोड़वा लें हम, भाई एटम का दौर है, साइबर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एक बटन दबाते हैं एक शहर तबाह हो जाता है, हम कश्मीर के पीछे जाते हैं, दुनिया में 54 इस्लामी मुल्क है, सब तो नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनसे पूछते हैं एक मिनट अंकल आप मुझे बताएगा क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आप बताएं बेटा जुल्म कर रहे हैं, मैंने कब कहा है जुल्म नहीं कर रहे, अंकल हमारे यहाँ पे गुमराही बहुत ज्यादा है, आपने खुद कहा कि हमारी हिस्ट्री चेंज है लेकिन हमें बताया कुछ हुआ, अब मैं इनसे पूछूंगी कि हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ ये वही बताएंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। दीन इस्लाम के अंदर ये जरूरी नहीं है कि
देखे दीन इस्लाम में सबसे पहली बात ये है सुलह हदैबिया की रूह है। मैं थोड़ा बहुत बड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो जाहिल आदमी नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप बहुत सेक्शन फिगर पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक नहीं कर सकता। रूह है ना, सुलह हदैबिया की रूह है। ये सुलह हदैबिया में जो मामला तय हुए है ना, उसमें ये है कि अगर किसी मुल्क के साथ आपका सीज फायर हो गया और सीज फायर के बावजूद वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप उनकी मदद के लिए नहीं जा सकते। ये सुलह हदैबिया की पहली शर्त है। देखे ना, सुलह हदैबिया पे अभी साइन नहीं हुए थे तो हजरत हारिस आ गए, आपने फरमाया कि उसको वापस लौटा दो क्योंकि हमारा मुआहदा हो चुका है। बेटा देखे, दुनिया में ऐसे ऐसे मुल्क हैं कि जिनके शहजादे 10-10 अरब डॉलर की कश्ती खरीदते हैं, 5-5 अरब डॉलर का फुटबॉल खरीदते हैं। वो ऐसे खिलाड़ियों को हायर करते हैं जिनको 5 साल का ठेका वो है जो 16 अरब डॉलर दे रहे हैं, हमारे तो 4 अरब डॉलर के हिसाब से। भाई अगर इंडिया में जुल्म हो रहा है तो होने दें, हम उस 1 करोड़ की मदद के लिए यहाँ पे 10 करोड़ की टांगे तोड़वा लें। बेटा मैदान जंग के मामला तो होते हैं, मस्जिद में करीम बिछा हुआ है, मौलवी साहब बैठे हैं, एसी चल रहा है, कशबू लगाई है, परफ्यूम लगाई है, वहाँ पे जहाद के फजाइल बयान करना और बात है, और दूसरी तरफ शेलिंग हो रही है, शदीद गर्मी है, नीचे आके गोले हैं और जनाब तैयार गड़गड़ाहट कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, माँ को नहीं पता कि मेरे बेटे किस माल पे हैं। वहाँ पे फजाइल बयान करना और बात है। इलामा इकबाल ने कह दिया है कि मुल्ला की अजान और मुजाहद की अजान हो, तो भाई पहले मुजाहद की अजान तक तो चले जाए ना। मुझे क्या पड़ी हुई है कि मेरा बच्चा तो भूख से मर रहा है, मैं 5 फरवरी में कम अज कम मेरी मुशियत उस मुकाम पर चले जाए कि दुनिया के वीटो पावर ममालिक वाले खुद कहें कि पहले पाकिस्तान से पूछ लो। पाकिस्तान के तो अपने 4 अरब डॉलर के हिसाब से, जिस मुल्क के 4 अरब डॉलर के हिसाब से हैं, अगला 15 दिन का बरामदी बिल नहीं है, वो तो मजाक वाली बात है। कश्मीर के मुसलमानों को या हिंदुस्तान के मुसलमानों पे की वो बात करे, बेटा पहले हमने खुद को मुनज़्ज़म करना है। हम हर एक पर बात करेंगे, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम कोई भी जुल्म करता हम आवाज़ उठाएंगे, उठाएंगे या नहीं? नहीं, कोई भी बंदा जुल्म करता है, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, तो वो तो उस पर आवाज़ उठाना हर एक का हक है, उस पर फर्ज है, उस पर बिल्कुल सही हो गया। सर जहाँ पर बात आती है अगर इंडिया की तो हम आवाज़ उठाते हैं, यहाँ पर बात आती है अगर फलस्तीन की हम आवाज़ उठा लेते हैं, यहाँ पर बात आती है अगर इसराइल की तो हम वहाँ पर भी आवाज़ उठाते हैं। एक और बात, यहाँ पर बात आती है पाकिस्तान की तो हम इस पर भी, हमें इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो मकबूजा पाकिस्तान हमने बना दिया है, इसमें जो बर्बरियत और जो जुल्म की इंतहा की जा रही है, हमें इस पर भी बात करनी चाहिए कि ये एक मकबूजा पाकिस्तान है। हमें मकबूजा कश्मीर तो हमने नहीं देखा प्रैक्टिकली, हमने मकबूजा पाकिस्तान देखा है प्रैक्टिकली, हमें इस पर बात करनी चाहिए। सर इसके अलावा भी एक, जिसे हम अपना जिगर मानते हैं, एक अपना दोस्त मानते हैं, ज़रा उधर से एक वीडियो आई है सर, वो ज़रा वीडियो देखिएगा। बदकिस्मती से ये वीडियो हमारे इधर हमारे चैनल्स पर नहीं दिखाई जाती सर, ये मैं आपको दिखाने की जरूरत कर रहा हूँ, गार्डियन की, ये देखिएगा आप, ये देखिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, फोर्स आई हुई है, और इस मुल्क के अंदर औरतों पर सका पर पाबंदी है, रोज़ा नहीं रख सकते आप, यहाँ पर आप गैस करें कि कौन सी कंट्री हो सकती है, ये देखें सर कलर से तो ये एशियन कंट्री को लग रही है, जैसे कि ये चाइना हो सकता है या कोरिया, इस तरह की कंट्री लग रही है, ये चाइना सर। हाँ, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम पहले से हो रहा, क्या आपको पता है ये बात? हाँ, रोहिंग्या उसमें जो इनका है एरिया, जो तिब्बत के मुसलमान, हमारा जो लगता है हमारे बॉर्डर के पास का एरिया, जो उनका है ये काशगर का जो एरिया, इसमें ये हमें आवाज़ें सुनने को मिलती है कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ तो उन्होंने कैंप बनाए हुए, उन्हें और कंसंट्रेटेड कैंप है यहाँ पे, उन्हें वो अपने खास माहौल में उनकी तरबियत करना चाहते हैं ताकि वो इनमें इंतहा पसंदी करें, उनको इनका वो जो एजेंडा है वो नेशनल अपने हिसाब से, लेकिन जो कि वो मैं खुद समझता हूँ उसको कंडेम करना चाहिए, और बुनियादी इंसानी हकूक, क्योंकि हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए एक वो विद इन एक जिससे वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा और अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, हमें तो कंडेम करना चाहिए। कोई भी यूनिफॉर्म एक जो हम ये जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है ना, ये भी एक मौत है इंसान के लिए, जैसे जिसमें आप किसी को खास माहौल में ट्रेंड करना चाहते हैं और किसी खास मकसद के लिए ट्रेंड करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी इंसान की नफी है बुनियादी तौर पर। सर जितना को हाईलाइट इंडिया को किया जाता है बदकिस्मती से, वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ जितना हमारे यहाँ पर हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन हाईलाइट करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में इतनी बर्बरियत होगी मुसलमानों के साथ? वहाँ पर तो कहते हैं चलते फिरते मुसलमान को मार दिया जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी मुल्क में? मुझे नहीं वैसे ऐसे लगता, पता क्यों?
एक जो चाइना है ना, मुझे लगता है जो मेरी गट फीलिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उसे एक मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को उनके खिलाफ भड़काया भी जा रहा होगा। चाइना के पॉसिबल रीज़न हो सकती है, क्योंकि चाइना एक जो हमारा जो कैपिटलिस्ट जितनी भी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री भी ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट ही है, ये जो है वेस्ट है सारा, वो चाइना को कंटेन करने के लिए इस तरह की ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है मैं गलत हूँ मेरी सोच, और ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो बुनियादी इंसानी हकूक ये है कि हर इंसान को उसका मज़हब चूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको अपने सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, जिससे वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। सर, आपने कहा कि चाइना के अंदर में भी के ऐसे हो सकता है कि ये देखा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, चाइना के अंदर बेसिकली अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया और हर चीज़ वो अपनी यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे उनके ऐप्स जो हैं, ये गूगल नहीं यूज़ करते, वो ना प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, उनके अपनी एप्लीकेशन है, वीचैट, व्हाट्सएप की जगह वीचैट इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक की जगह कुछ और है। तो सर, वहाँ से अगर वीडियो आ सकती है, वहाँ से अगर निकल कर, ये चाइना की वीडियो थी सर, कश्मीर के अंदर की वीडियो, ये अगर ये वहाँ से वीडियो निकल के आ सकती, तो आपको नहीं लगता कि अगर किसी और मुल्क के अंदर, जहाँ पर हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि मुसलमान को जाते जाते मार दिया जाता है इंडिया के अंदर, क्या वहाँ से भी वीडियोस नहीं आ सकती? अच्छा, एक बात बताऊँ, हमें दुनिया के दूसरे लोगों के लिए वाकई ही कंसर्न होना चाहिए कि जहाँ भी बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने देश में भी थोड़ा सा ये चीज़, इसको थोड़ा सा अपनी जो कंसर्न शो करना चाहिए कि यहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत का, जिन्होंने आपके जो रियासत है, जिसको हम रियासत का नाम देते हैं, डरते हुए उनका नाम नहीं लेते, तो उन पे भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ठीक है, हमें दुनिया का तो दर्द है, इस मुल्क का भी थोड़ा सा दर्द होना चाहिए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि जोन से ये हालात हैं, एक तरफ हम बात करते थे जब छोटे होते थे, कहते थे कि यार बड़ा जुल्म होता कश्मीर के मुसलमानों पर, बड़ा जुल्म होता बर्मा के मुसलमानों पर, अभी जो मौजूदा सिनेरियो मुल्क के अंदर पैदा किए गए हैं, इसका कोई हल बताइएगा जो हल हम देख सकें और ये हालात सारे नॉर्मल हो जाएं, जिस तरह से दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह हम भी तरक्की की तरफ गामजन हो जाएं। जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में 1973 का, इसमें रहते हुए इस मुल्क का हल है। इस टाइम इस जो कोई कॉन्ट्रैक्ट था एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में, जिसमें ये था कि ये एक फेडरल स्टेट है, इसमें जो लोगों को लोग हैं इन्हें ही चूज़ करने का, किसी को हुकूमत देने का इनके पास अख्तियार होना चाहिए, रियासत जो है हमारे सिक्योरिटी अदारे जो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है वो अदा करें, इसमें रहते हुए ही इस मुल्क की बका है, इसका हल है। अदरवाइज मेरी असेसमेंट है, जो कि मैंने इसी डिसिप्लिन में रह के मैंने जो भी मैं आज तक मेरी सोच बनी है ना, वो इसी डिसिप्लिन में है कि जो विद इन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके अंदर रहते हुए जिसमें कि जो कुछ भी प्रोवाइडेड है, सिविल लिबर्टीज है, किसी के साथ ज्यादती नहीं है, इलीगल जो डिटेंशन है, ठीक है, और जो सबसे अब इस बात पे आपको हैरान होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है ना निज़ाम है, निज़ाम क्या है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बुनियाद क्या है, वो इलेक्शन है। जब की तरफ जा रहे हैं, जब आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर आपने वो एक पूरा एक जो किसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, जो रियासत को मुतहद रख सकता है, जो रियासत को चला सकता है। सर, कैसा आलम है इस मुल्क का, आप देखेंगे क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम दुनिया के एंड तरीन मुल्कों में हम आते हैं, हमारा तकरीबन 144 नंबर पर हमारा निज़ाम आया, तो क्या समझते हैं आप कि हमसे ज़्यादा अच्छा तो निज़ाम तो अफगानिस्तान का, हमसे ज़्यादा अच्छा तो बांग्लादेश का, इंडिया का निज़ाम देख ले, वहाँ पर बड़े बड़े अगर आप देखेंगे एक्टर शाहरुख खान के बेटे को क्या, आप सलमान खान को क्या, वहाँ पर अदालतों में घसीटते, यहाँ पर तो हमारे एक दूसरा बाइज़त बरी हो क्या जाता है? इसी था ना, जो हायर जुडिशरी है वो पोलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, जब पोलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है तो छोटे लोग ऊपर आते हैं, जब छोटे लोग इनकम्पिटेंट लोग आते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने जाती जात ही उनके लिए अहम होती है, उन्हें और कुछ अहम नहीं होता, इंसाफ उनके लिए कभी अहम नहीं हो सकता कि जो बंदा अपने मेरिट पर नहीं आया होता। और जुडिशरी का सबसे बड़ा मसला है हाई जुडिशरी का, जो इनकम्पिटेंट लोग और पोलिटिकल बेस पर आते हैं, और वही फिर जब वो नीचे से जब जुडिशरी लेते हैं तो वही लोग बख्तियार होते हैं, उन्होंने नीचे से जो लोग सिलेक्ट होने होते हैं, जैसे वो एग्जामिनर जो भी है, ठीक है, उसकी वजह से वो उस तरह की वो लोग नीचे से भी नहीं आते और ऊपर से भी नहीं आते, जो हमारे जुडिशरी जो आज फ्लॉप है ना। अब देखो कि क्या कर रही है जुडिशरी कि 10-15 हज़ार बंदा इलीगली अरेस्टेड है, किधर है मुल्क,
कभी कभी आम लाजमी देखा था कि एक दिन की जो इलीगल डिटेंशन होती थी कि उस पर हेबियस की रिट जारी हो जाती थी, वो SHO की सस्पेंड हो जाता था, ये हो जाता था, कभी कभी अच्छे चीज करते भी थे। लेकिन अब 10-15 हज़ार बंदा अरेस्टेड है, किधर है जुडिशरी यार? इन्हें गोली मार देंगे, कुछ फैसला तो करे। इन्हें सिर्फ एक डर है जो मुझे आज लग रहा है कि जुडिशरी को, कि जो मार्शल लॉ तो इम्पोज्ड है, उन्हें यह है कि अगर प्रैक्टिकली मार्शल लॉ का जो डिफेक्टर तो है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया तो हमें नौकरियों से हटा देंगे ये लोग। उन्हें सिर्फ आज अपनी नौकरियों की फिक्र है और इसलिए ये जरूरत नहीं हो रही, हालांकि वो भी गलत समझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इस बात की फिक्र है कि यार ये हमें अगर मार्शल लॉ का नाम इन्होंने दे दिया ना, अभी मार्शल लॉ तो है लेकिन उसका नाम नहीं दे रहे, अगर मार्शल लॉ का नाम दे दे तो हमें नौकरियों से हटा देंगे और नौकरियों के लिए जिंदगी और मौत है। मार्शल लॉ अभी लगा हुआ, आपके कहने का मतलब है डिफेक्टो मार्शल लॉ ही है ना? अब कोई भी बंदे को कभी भी कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मार्शल लॉ क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो मार्शल लॉ होता है। ऑपरेशन तो प्रैक्टिकली सस्पेंडेड है कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल सही, ठीक है, आपने काफी अच्छा पॉइंट उठाया। और जहां पर हमारी जुडिशरी कोई फैसला नहीं कर सकती, तो मतलब ये कि गायब हो रहे हैं बंदे, तो इसका मतलब है माशाल्लाह लग चुका है इस मुल्क के अंदर। मस्जिद को डिमोलिश होने से बचाने के लिए जो कि वहां पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। बात करने जा रहा हूं कि सर हमारा नेबर कंट्री है और जिस तरह से वहां पे मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, आपको पता है चाइना भी एक गैर मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे जिस तरह से मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक मुश्किलात पैदा होती है, तो उस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क है जो इस्लाम में, दूसरे भी जो चाइना है वो भी हमारा नेबर है, नेबर मुल्क है, जैसे आपने वो एक सेकुलर है ना, सेकुलर में तो हर मज़हब के लोगों को परमिशन है कि वो आज़ाद तरीके से रह सके। बेशक ऐसे ही है, लेकिन जो मस्जिद है उसको तोड़ना थोड़ा ना चाहिए, उसकी हिफाजत के लिए हमें कुछ भी इकदाम उठाने चाहिए, हमें इधर प्रोटेस्ट करना चाहिए सड़कों पर, आगे पीछे गलियों में, गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, आगे पीछे हर चीज़ से आवाज़ उठानी चाहिए। एक तो ये है कि एक चाइना के साथ हमारा एक यू नो एज अ बिजनेस एक रिलेशनशिप है, उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे लोग हैं, वो इस उसमें थोड़ा एज अ यू नो दे आर फीलिंग यू नो सम काइंड ऑफ यू कैन से अ बैरियर, बिकॉज यू नो वी हैव अ वेरी इकोनॉमिक प्रोसेस नाउ, CPEC इज़ ऑन द वे। सो इन चीज़ों ये चीज़ भी यू नो अभी ये भी सामने रख के ये चीज़ें हो सकते हैं कि हम आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारी ईमान की कमज़ोरी है कि एक हम ये देखते हैं कि यार उसके साथ हमारे बिजनेस के ये यही वो हो रहे हैं, चीज़ें हो रहे हैं बिजनेस के, जो हमारे डेवलपमेंट हो रही है, तो इस पर हम इन चीज़ों को सामने लाते हैं और जो चीज़ हमारे जो हमारे ईमान का हिस्सा है उसको उसके ऊपर हम बात नहीं करते, तो हमारे ये ईमान की कमज़ोरी हो सकती है ना। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि हम लोग हमेशा इंडिया में कोई भी ऐसा वाकया होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, इंडिया को बुरा भला कहते हैं, तो इस पे हमने कभी अपने दोस्त चाइना के हवाले से कभी ऐसी बात नहीं की? बेसिकली बात ये है कि हमने चाइना के साथ काफ़ी अटैचमेंट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की दरामदाद बरामदाद काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ, हम हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं ना यही सोचते हैं कि हम हमारे काम ना ख़राब हो जाएं, वो अपने मतलब के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं है कि मस्जिद है एक इबादतगाह है, हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसकी हिफाजत के लिए, जहां भी हो मुसलमान का एक हक है कि उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी करना चाहिए। मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मस्जिदों को ना भाई गिराओ, तो क्या लगता है कहाँ कौन से मुल्क? जापान लग रहा है मुझे, जापान लग रहा है। हाँ। जापान में इस तरह के हैं चीज़ें, मे भी हो सकते हैं। चाइना, चाइना है? अच्छा, चाइना के अंदर ये हो रहा है। सही हो गया, नहीं हो सकता है क्योंकि चाइना में कई किस्म के मजहब है, हो सकता है ऐसे उसमें, हो सकता है चाइना में भी ऐसे हो सकता है। चाइना के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा, लड़कियों को स्कार्फ पहनने की इजाज़त नहीं है और यहाँ वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो उनसे मस्जिद है ये हमारे आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं, इसको गिराओ। इसीलिए बेसिकली पता क्या बात है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो नॉट रिलेटेड टू इस्लाम, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू इस्लाम और नॉट एनी अदर रिलीजियस सेटअप, यू नो अबाउट द रिलीजियस सेटअप ऑफ द चाइना, ठीक है, तो अंडर द चाइनीज रूल ये मे बी इट इज सेकुलर सिस्टम एंड अदरवाइज। एक चीज़ है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी डिपेंड ऑन द दिस सिचुएशन, तो एक चीज़ नॉट इन द चाइना, मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना कहता है कि या तो आप चाइनीज हो या एथिस्ट हो, बिल्कुल दो चीज़ों पर चलता है, वो चाइनीज हो या एथिस्ट हो। सर चाइना के ऊपर जब बात होती है तो ना हमारा मीडिया दिखाता ना पॉलिटिशियन बोलते हैं,
अगर इसी के बरक्स बर्मा बोल लेते हैं, इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो चाइना के अंदर होता है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए? बेसिकली जहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी, तो वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ख्वाह चाइना हो, ख्वाह बर्मा हो, ख्वाह इंडिया हो, हमें वहाँ पे आवाज़ था। लेकिन अंडर द पॉलिटिकल सेटअप, अंडर द इकोनॉमिकली वे ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू चाइना, तो हम आवाज़ नहीं उठाते। ये अब बदकिस्मती है। सर, जितना को हमें प्रेजेंट किया जाता है इंडिया के रिलेटेड, अब सोशल मीडिया का टाइम है, सर आपको लगता है कि कोई बात ढकी छुपी है जो कि बताते हैं हमें कि ऐसा होता है? सोशल मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपी सर। अगर यहाँ पर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, दो मोबाइल ऑन हो जाएंगे, अगले दिन मैं और आप वायरल हो जाएंगे। क्या इंडिया के अंदर मुसलमानों को मारा जाए वहाँ पर? इस इतना जितना चाइना के अंदर, देखे ना, चाइना के अंदर सोशल मीडिया ही नहीं है, उनका अपना सारा मीडिया चलता, वहाँ से वीडियो आ सकती, तो इंडिया से नहीं आ सकती? आ सकती है इंडिया से, क्यों नहीं आ सकती? यहाँ पर जो बताते हैं इंडिया के अंदर होता, आपने कभी इस तरह की कोई वीडियो देखी जो मस्जिद गिराई जा रही है? नहीं, इंडिया में गिराई जाती हैं, लेकिन इंडिया की हाइप क्रिएट की जाती है। जब भी वहाँ से कोई हो तो हाइप क्रिएट की जाती है, चाइना की हाइप नहीं क्रिएट की जाती, क्योंकि यू नो अबाउट चाइना। चाइना अगर देखे ना, पता लगता है कि यहाँ से चाइना की पावर कितनी है। चाइना के साथ बात करेंगे, ट्रेड बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा हमारा। चाइना द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकली फ्रेंड्स, नॉट रिलीजियस फ्रेंड। हमें बचपन से स्कूलों में भी ये पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाते हैं, दोस्ती हमेशा बेटा बराबरी की होती है। अब बताएं, चाइना और हमारा कोई कंपैरिजन है दोस्ती की? नहीं, मेरी बात सुने। चाइना देखें, शुरू से 1947 से लेकर अब तक चाइना ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, ठीक है? हमने नहीं छोड़ा। ऐसे कह सकते हैं, हमने चाइना को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा, हम मजबूर लोग हैं, समझे? देखे ना, हम प्रोडक्ट है चाइना के लिए। चाइना अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है यहाँ पर, घर के लोटे से लेके जहाज तक सब चाइना की मजबूर कर दिया। चाइनीज मेहनती लोग हैं, बेसिकली वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो मंडियाँ ढूंढता है, ठीक है? उसके लिए पाकिस्तान भी मंडी है, उसके लिए इंडिया भी मंडी है, उसके लिए अफगानिस्तान भी मंडी है। वो जिस मंडी को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेगा, उस मंडी में वो एडजस्ट हो जाएगा। सर, एक बात, आप प्रोफेसर हैं, आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड थोड़े बात कर लेते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या आपको लगता है कि जो हमें तारीखें पढ़ाई गई है कश्मीर के रिलेटेड, जो हमें जंगों के बारे में जो तारीख पढ़ाई गई है, क्या हमें वो एक्यूरेट बताया गया अभी तक, या आपको लगता है कि ऊपर से सारी बातें की गई हैं? मैं सच सुन रहा हूँ, मैं फैक्ट पर बात करूँगा सर। बेसिकली हमारी जो जंगें हुई हैं इंडिया के साथ या कहीं कोई भी लड़े, अच्छी हुई है। 1965 हुआ है, 1971 हुआ है, हमारी फौज ने अच्छी नहीं आया अहमदार जंगों में लाशें बिछती हैं, अच्छा अदा किया पाक आर्मी जिंदाबाद, यू नो अबाउट दिस। सही हो गया सर, आपने बात ही खत्म कर दी। लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा, हिस्ट्री एक वो है जो हम पढ़ते हैं, जो हमें लिख कर दी गई है, हम पढ़ाते हैं स्कूलों में, हिस्ट्री एक वो है जो गोरो ने लिखी है, हिस्ट्री एक वो है जो सर एक जो एक बंदा सोच सकता है ना सर। अब 65 की जंग हम कहते हैं कि हम जीत रहे थे, अगर हम जीते तो हम जाकर सिग्नेचर करके आते कि भाई सर, ये था। वो टेबल टॉक पे कई मसाइल हुए, लेकिन 1965 और 1971 हमारे जो जवान थे, बेसिक जवान जो थे, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए ना जो है वो वाकई शहदा की हमें कदर करनी चाहिए। ऐसी नहीं बात, लास्ट पे सवाल पूछूंगा सर, क्या लगता है कि आपको, आप जंगों को ख़त्म करके भाईचारा, प्यार मोहब्बत और ट्रेड खोल दो, बॉर्डर खोल दो, मोहब्बतें पैदा हो इधर से भी उधर से भी, आपको नहीं लगता कि ये हो जाना चाहिए? मेरा वीर देखें, मेरी बात सुने, यूरोप देख लें, ठीक है? सारा यूरोप आपस में लड़ता रहा, कई अरसे से बड़ी बड़ी जंगें होती रही, लेकिन एंड पॉइंट उन्होंने सोचा यार नहीं, हमें बॉर्डर ख़त्म कर देने चाहिए। एक ही ट्रेन बैठ के हम 32 मुल्क कंट्रीज अपने फेर लेते हैं, यूरोप के फेर लेते हैं ना, तो हम तो चंद लोग हैं यार, चंद कंट्रीज हैं, हमें भी आपस में मिलजुल जाना चाहिए। थैंक यू सर, एक और सवाल, उसके बाद इजाज़त दूंगा आपको। सर, जिस तरह के हालात आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरा जो चैनल का पर्पस है ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का, लेकिन जब यहाँ पर चंद एक हमारे लोग आते हैं जिनके माइंड सेट पता नहीं किस तरह के बने हुए हैं, शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम से वो गुजर के आए, इतनी नफरत इंडिया के लिए, जब ये वीडियो उधर चलती है, जब वहाँ के लोग भी देखते होंगे, तो क्या लगता है कि आपको ये पॉजिटिविटी कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करने का बाइस तो नहीं बनेगी? बेसिकली ने मेरी बात सुने, बर्रे सगीर जो है ना, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान आफ्टर तकसीम जो है ना, वो हम बहुत सारे मसाइल में गिर गए। बेसिकली हमें गिरना नहीं चाहिए था, हमें आपस में मिल जाना चाहिए था, एक अखलाक या ट्रेड होना चाहिए था, और यहाँ पे अगर ट्रेड होता तो शायद आज हम इतने गरीब ना होते जितने।
ज़बरदस्त जी, मेरे साथ आज एक स्टूडेंट मौजूद है और आज मैं सर मेरा जो आज का टॉपिक है वो अपने नेबर कंट्री चाइना के हवाले से है कि चाइना जैसे मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम बात करते हैं हमेशा इंडिया की या दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, हम चाइना की क्यों नहीं करते। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा, इस वीडियो में आप देख के ये खुद आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि चाइना जैसे मुल्क में जो कि मॉस्क्यू है उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ के लोगों के दरमियान एक रेजिस्टेंस हो रही है। तो हम बात करते हैं कि हम हमेशा इंडिया की तो बात करते हैं कि इंडिया में कोई भी ऐसा काम हो या इंडिया में अगर वो हिंदू लोग मुसलमानों पर जुल्म करें तो हम आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन हम लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे। तो मैं ये कहूँगा कि बींग अ मुस्लिम तो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके जो अकायद हैं, उनके जो तहजीब है, ट्रेडिशन है, वो दुनिया की कहीं भी हो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो चाइना में जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, तो इसके हवाले से तमाम मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि उसके ऊपर स्टैंड बात करे, सोशल मीडिया के उसके ऊपर अपना तजवीज़ दे दे और इसको एज़ा अगर इसको डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कोई वजह होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए और कोई अल्टरनेट जगह देनी चाहिए, बिल्कुल, या फिर उसके लिए कोई ना कोई सदबाब होना चाहिए ताकि लोगों को एक सोशल मीडिया पे वो बात आनी चाहिए कि क्या वजह है उस मस्जिद को डिमोलिश करने की, वजह क्या है और वहाँ की जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वो उसके लिए उस प्रोटेस्ट कर रही है और वहाँ की जो पुलिस है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब आप ये देखें कि वहाँ उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से। तो एक तो ये है कि चाइना के साथ हमारा बहुत पहले से एक दोस्ताना ताल्लुकात है, अभी सी पैक आपको पता है एक हाईली यू नो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एक चीज़ हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम इन चीज़ों को एज अ फ्रेंडली वे में डिस्कस कर गए, ठीक है, क्या चीज़ उसमें मिसिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो चाइना एक नॉन मुस्लिम कंट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं सेकुलर होना चाहिए हर कंट्री को, उनके मुस्लिम जो पीपल वहाँ रह रहे हैं उनके जो अकायद उनको रिस्पेक्ट करने चाहिए, उनको जो भी उनके रिलीजियस ट्रेडिशन से उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि बींग अ मुस्लिम तो हमारा ये अकीदा है, हमारा ये बिलीफ है कि जो हमारे जो वर्शिप जो प्लेसेस है उनको फुली प्रोटेक्ट किया जाए और जितने भी लोग हैं मुस्लिम लोग हैं पूरे उम्मत मुस्लिमा में उसके ऊपर बात करना चाहिए। अगर हम बात करें रिसेंटली वहाँ पे एक मस्जिद है उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है, मैं आपको एक वीडियो में भी दिखा देता हूँ आपको एक प्रूफ के साथ, चाइना में जो है तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने रेजिस्टेंस किया उस